हेलो एवरीवन आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ लॉप्रैप आज हम वापस मिले हैं अपने नए सेगमेंट के साथ जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो लॉ का या फिर जुडिशरी का या फिर अभी जैसे कि जे का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन से आर्टिकल में है इनके क्लॉजेज पूछे जाते हैं टोटल कितनी ड्यूटीज़ प्रोवाइडेड है तो उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि उनकी सीरीज़ वाइज उसको कैसे याद रखा जाए याद तो फिर भी हो जाती है जैसे तैसे लेकिन सीरीज़ वाइज नहीं होती कि ए में कौन सी है बी में कौन सी है तो आज की हम इस वीडियो में वो ट्रिक समझेंगे जिससे कि ड्यूटीज़ आपको सीरीज वाइज प्रोवाइड हो जाए प्लस आपको जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपके जे के एग्ज़ाम में तो हम वो सारे आज क्लियर कर देंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे आपके पास तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कौन से आर्टिकल में है तो वो है आर्टिकल 51 ए ओके आर्टिकल 51 ए के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज आपके प्रोवाइडेड है अब जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन डीपीएसपीज एंड ड्यूटीज तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है ध्यान रखना है कि ड्यूटीज जो है वो 51 ए के अंदर प्रोवाइडेड है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टोटल कितनी ड्यूटीज है राइट right? तो देयर आर इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल देयर आर एलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो ये हो गए आपके दो क्वेश्चन पहला आर्टिकल एंड दूसरा कि टोटल कितनी ड्यूटीज़ है नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक वाइज़ ठीक है वन बाय वन हम ट्रिक याद करते हैं कि कैसे इन ड्यूटीज़ को सीरीज़ में याद किया जाए तो सबसे पहले आप जब भी आ, याद करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि एक कंट्री है ठीक है इंडिया इज़ आर कंट्री तो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे लिए वैल्यू सबसे ज्यादा किस चीज की है तो वो है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे लिए नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम ओके तो सबसे पहली वैल्यू किस चीज की है सबसे ज्यादा एज अ सिटीजन हमारे पास होगी सी जो ड्यूटीज होती है ना वो ड्यूटीज किसको दी गई है तो ये ड्यूटीज दी गई है टू सिटीजनस राइट सी इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया ये ड्यूटीज़ जो है ये सिर्फ सिटीज़न्स के लिए है जो फॉरेनर्स हैं उनकी ये ड्यूटीज़ नहीं है ये ड्यूटी सिर्फ सिटीजन्स की है तो एज अ सिटीज़न सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है तो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पे है हमारा नेशनल फ्लैग एंड हमारा नेशनल एंथम तो हमें याद रखना है कि ए पे क्या आ जाएगा ए पे आएगा हमारा नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम एज वेल एज टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन सबसे सुप्रीम क्या है एक कंट्री का सबसे सुप्रीम चीज क्या है हमारी कंट्री की तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट right? तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज है उसके इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन कौन सा हो गया हमारी गवर्नमेंट राइट right? तो ये सारी चीज़ें जो है ये होता है हमारा सुप्रीम जो प्रायरिटीज़ है एक सिटीज़न की तो वो कौन कौन सी हो गई सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी है उसके आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट है हमारा नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम तो ए के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी नेक्स्ट हम पहुँचते हैं बी पे तो बी में क्या है अब हमने अपने फ्लैग को दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिया उसके बाद क्या हुआ तो हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन uh, कब मिला हमें कॉन्स्टिट्यूशन तब मिला जब हमारे पास फ्रीडम में हुई राइट right? सबसे पहले फ्रीडम मिली तो वो फ्रीडम किसने दिलाई हमको हमें उन्हें भी तो रेस्पेक्ट करना होगा तो वो फ्रीडम जिन्होंने दिलाई है सी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम राइट जिन आइडियल्स ने हमें फ्रीडम दिलाई है उनको हमें चेरिश करना पड़ेगा और उनके जो आइडियाज हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा क्लॉज बी तो वापस हम देखते हैं तो क्लॉज ए में क्या आ जाएगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसके आइडियल्स उसके इंस्टीट्यूशन्स प्लस अपना नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम बी में क्या आ जाएगा हमारे फ्रीडम के आइडियल्स एज वेल एज जो भी फॉलोअर्स है ठीक है जिन जिन ने हमें फ्रीडम्स दिलाई है जहाँ से हमें फ्रीडम मिली है उन आइडियल्स को फॉलो करना है हमें तो ये हो गए ए एंड बी सी पॉइंट पे आ जाते हैं टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरिनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो जैसे ही हमें फ्रीडम मिली तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो वो है सॉवरनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी राइट तो सी पे आ जाता है सॉवरनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हम ऐसे भी देखते हैं कि सी बेसिकली थर्ड नंबर पे है तो थर्ड नंबर पे हमें तीन टर्म्स याद रखने हैं सॉवरिनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी राइट वापस हम रिपीट करते हैं ए बी एंड सी ए पे क्या था कॉन्स्टिट्यूशन उसके आइडियल्स नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम बी पे आ जाता है हमारे जो फ्रीडम मिली है उन आइडियल्स को फॉलो करना और चेरिश करना सी पे थ्री वर्ड्स आ जाते हैं ठीक है? सी बेसिकली थर्ड नंबर पे है तो इसमें थ्री वर्ड्स आ जाते हैं सॉवरनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अब यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्लॉज सी है उसमें कौन से तीन वर्ड्स गिवन है राइट right? वहां पे भी पूछा जाएगा कि कौन से तीन वर्ड्स गिवन है अब यहाँ पे सॉवरनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी हो जाएगा उसके बाद और भी ऑप्शंस आ सकते हैं आपके पास डेमोक्रेसी है रिपब्लिक है क्या क्या गिवन है तो उसमें आपको याद रखना है सॉवरनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये तीन वर्ड्स अच्छे से याद रखने हैं क्लियर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं डी डी से याद रखो डिफेंड ठीक है डी से क्या याद रखना है आपको डिफेंड किसको डिफेंड करना है हमें अपनी कंट्री को ठीक है और नेशनल सर्विसेज देनी है जब भी बुलाया जाए राइट right? हमें डी से किसको डिफेंड करना है हमारी कंट्री को प्लस हमें रेंडर करनी है नेशनल सर्विसेज वेन एवर कॉल टू डू सो so, तो ये हो गया डी पॉइंट नेक्स्ट आ जाता है ई e. E से याद रखो एकता ठीक है e ई से क्या याद रखोगे आप एकता अब एकता किस किस चीज की होनी चाहिए तो एकता से रिलेटेड ये सारे टर्म्स हमें याद रखने हैं जैसे कि ब्रदरहुड ठीक है रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज इन सब में हमें हारमोनी बनाई रखनी है और स्पिरिट ऑफ कॉमनहुड बनाए रखना है ठीक है तो ये हो जाता है एकता तो एकता रिगार्डिंग जितने वर्ड्स है कि हमें ब्रदरहुड रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज वगैरह वगैरह में प्लस डिग्निटी ऑफ वूमेन ठीक है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है जो डिग्निटी ऑफ वुमेन को डेरोगेट करे तो हमें उसे भी प्रोटेक्ट करना है किसे डिग्निटी ऑफ वुमेन को तो ये हो गया हमारा क्लॉज ई नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लॉज एफ पे तो क्लॉज एफ पे आप याद रखो कि फैशन छोड़ो राइट फैशन एफ से फैशन याद रहेगा तो फैशन को छोड़ो तो किसको अपनाना है फैशन को छोड़ के हमारा रिच एंड हेरिटेज जो कल्चर है उसे हमें अपनाना है उसको वैल्यू करना है उसको प्रिजर्व करना है फैशन को छोड़ देना है राइट right? तो एफ से ये याद आ जाएगा कि फैशन छोड़ो अपना जो रिच हेरिटेज कल्चर है उसे आप वैल्यू करो और प्रिजर्व करो सी नेक्स्ट आ जाता है क्लॉज जी जी से हमें क्या याद रखना है तो जी से हमें अपना गांव याद रखना है ठीक है जी से क्या होता है गांव अब आप जब गांव में जाते हैं तो वहां पे आपको क्या क्या मिलता है तो वहां हमें मिलते हैं फॉरेस्ट लेक रिवर वाइल्ड लाइफ ठीक है एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स प्लस नेचुरल इन्वायमेंट ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती है गांव में ही देखने मिलती है शहर में तो ये सारी खत्म होती जा रही है तो ये कहाँ मिलेगा गांव में तो जी से हमें याद रखना है गांव गांव से हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है फॉरेस्ट लेक रिवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है इस टाइप की जो भी वाइल्ड लाइफ इन्वायमेंट ये सब जी में आएगा ये याद रखना नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लॉज एच ठीक है एच एच से हमें क्या याद रखना है ूमस एच से हमें ह्यूमन याद रखना है अब ह्यूमन्स का काम क्या होता है तो ह्यूमन से हम याद रखेंगे साइंस एंड इंक्वायरी प्लस ह्यूमन से याद रह जाएगा हमें ह्यूमनिज्म ठीक है तो ह्यूम क्या करते हैं जनरली सबसे ज्यादा इंक्वायरी कौन करता है ह्यूमन से करते हैं तो इंक्वायरी साइंस एंड ह्यूमैनिज्म ये तीनों हमें याद रहेंगे ह्यूमन से तो एच पे टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पल ये हो जाएगा हमारा साइंस ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये हो जाएंगे सारे एक ह्यूमन के काम नेक्स्ट आ जाते हैं आई पे आई से क्या याद रखना है तो आई से याद रखना है हमें आई विल आई विल आई विल वॉट क्या करोगे आप तो आई विल सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी मैं अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ करूंगा प्लस आई विल एब्जर्व वायलेंस ठीक है वायलेंस को एब्जर्व कर दूंगा तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है आई से आई विल सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस नेक्स्ट आ जाता है जे ठीक है जे से क्या होता है तो जे से आपको याद रखना है जस्ट एक्सीलेंट इट्स जस्ट एक्सीलेंट ठीक है ये चीज आपको जे से याद रखनी है इसमें आप कैसे याद आपकी ट्रिक क्या काम आएगी तो एक्सीलेंट इन एवरीथिंग मतलब यहां पे क्या आ रहा है एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ द इंडिविजुअल जस्ट एक्सीलेंट फिर आ, राइज टू हायर लेवल ऑफ़ एंड एंड अचीवमेंट जो स्टेट uh, है जो नेशन है उसको आप ऐसी एक्टिविटीज़ कॉन्स्टेंटली करो कि वो हायर लेवल ऑफ एंड एंड अचीवमेंट की तरफ जाए ठीक है तो वो एक्सीलेंस जो आता है जस्ट एक्सीलेंट इससे आपको पता चलेगा कि जो हाइएस्ट पीक पे जा रहा है वो काम आप सारे करो अंडर जे ठीक है एक्सीलेंट इन ऑल्स फेयर ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज़ वो सारी एक्टिविटीज़ करो जो नेशन को हायर लेवल और एंडवर पर राइज करे नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट है के राइट right? तो के है जो वो हमारी लास्ट ड्यूटी है तो इसके लिए आपको कोई ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसको आप डायरेक्टली याद रख लो कि लास्ट ड्यूटी क्या है जो सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन्स हैं राइट उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना किसकी ड्यूटी है उनके पेरेंट्स एज वेल एज गार्जियन की अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है पहला तो कि क्या एज ग्रुप है ठीक है तो पहला क्वेश्चन बनता है एज ग्रुप से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि किसकी ड्यूटीज है क्या ये सिर्फ पेरेंट्स की ड्यूटी है या फिर और भी किसी की ड्यूटी है तो ये पेरेंट्स एज वेल एज गार्जियन की ड्यूटी है ये चीज आप ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है ठीक है तो पेरेंट्स एंड गार्जियन तो ये हो गई टोटल हमारी इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज आई होप आपके लिए ईजी रही होगी तो एक बार ही हम रिवाइज कर देते हैं ठीक है तो सबसे पहले इलेवन ड्यूटीज है कौन सी क्लॉज ए सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के राइट यह है हमारी इलेवन ड्यूटीज तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको कि टोटल कितनी ड्यूटीज है तो टोटल इलेवन है किस में प्रोवाइडेड है आर्टिकल फिफ्टी वन ए में है किस को दी गई है ये ड्यूटीज तो ये ड्यूटीज दी गई है सिटीजन्स को नॉट टू फॉरनर्स ये हो गए हमारे तीन क्वेश्चन क्लियर अब हम ट्रिक वापस एक बार ही रिवाइज करते हैं तो ए पे क्या था ए पे फर्स्ट नंबर पे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके आइडियल्स उसके इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम ठीक है नेक्स्ट आ जाता है जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई है उनके आइडियाज़ को चेरिश करना है सी पे क्या आ जाता है थ्री वर्ड्स थ्री पॉइंट्स ठीक है सॉवरिनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी डी पे क्या करना है हमें डिफेंड करना है अपनी कंट्री को और रेंडर करनी है नेशनल सर्विसेज जब भी बुलाई जाए ई e पे क्या याद रखा था हमने ई e पे एकता याद रखा था तो एकता पे क्या आ जाएगा ब्रदरहुड ठीक है रीजनल रिलीजियस जो भी है प्लस जो भी वुमेन है उसकी ऐसी प्रैक्टिस को रिनाउंस करना है जो कि वुमेन के डेरोगेटरी हो एफ से क्या था फैशन छोड़ो अपने रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करो जी पे क्या था गांव राइट तो गांव में क्या था वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट लेक रिवर एक्सेट्रा नेक्स्ट आ जाता है एच पे तो so, एच पे क्या था ह्यूमंस ह्यूमंस का क्या था साइंस एंड ह्यूमैनिज्म राइट आई पे क्या था आई विल सेफ कार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एबजर्व वॉयलेंस जे पे क्या था जस्ट एक्सीलेंट इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल प्लस जो नेशन है उसको भी आप ऐसी एक्टिविटीज़ प्रमोट करो जो उसको हायर लेवल पे राइज करें के पे क्या था जो सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के चिल्ड्रन हैं उनको पेरेंट्स एज वेल एज गार्जियन जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे दैट्स इट तो ये थी हमारी टोटल इलेवन ड्यूटीज आई होप आपको सारी ड्यूटीज अच्छे से याद हो गई होगी कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो